For which institution and PSU do you have call? Sir, Intelligence Bureau, IB. IB. On which date? Sir, 25th June. 25th June. Okay, okay, dear student, we are conducting the mock for the IB of our student Ashish Kumar, and this is the mock for the subject of EDC. Okay, Ashish, first of all, what is the transition capacitance? Please explain by using of the graph and any mathematical formula. Sir, transition capacitance is the capacitance due to in a PN junction diode due to the due to depletion layer formed by the ions, and its formula is epsilon naught W by D, where W is the width of depletion layer. यही होता है transition capacitance. This is the formula of the parallel plate capacitor. पहले तो बताओ कि किस बाइसिंग में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस आता है, फॉरवर्ड की रिवर्स? सर, रिवर्स वाइज में. रिवर्स वाइज में? सॉरी सर, आई एम कम. यस सर, फॉरवर्ड वाइज. टाउ आई अपॉन ईटा वीटी. नहीं, मैं तो आपको पूछ रहा हूँ. मैंने बोल रहा हूँ रिवर्स में नहीं आता है कि आता है, आप तो बताएं मुझे किस में आता है. चले, कंफ्यूजन में है आप आशीष. चले, मुझे आप कॉमन बेस, कॉमन अमीटर के केस में आउटपुट और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए. कॉमन अमीटर के लिए मेक द आउटपुट एंड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सप्लेन इन द केस ऑफ प्रैक्टिकल एंड आइडियल केस. दोनों आइडियल और प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करें. कॉमन इमीटर, हेलो सर. हाँ, थोड़ा दिख नहीं रहा है. कॉमन अमीटर केस, ये प्रैक्टिकल है बनाया आपने कि आइडियल केस में बनाया? यस सर, आइडियल केस. आइडियल में प्रैक्टिकल में क्या होगा? शिफ्ट हो जाए सर थोड़ा. बनाए बनाए दोनों केस में बनाना है वो, और दम फिर समझाना है. तो ये जो आइडियल और प्रैक्टिकल जो डिफरेंस आया, ये किस कारण से आया? अर्ली इफेक्ट के कारण. अर्ली इफेक्ट. चले, अब दूसरा बात जो आप एक बार ग्राफ फिर से बताएं मुझे, एक बार फिर से ग्राफ दिखाएं आप जो बनाया है. इसमें जो आपने स्टार्टिंग किया है एग्जैक्टली आईसी और नीचे बीबी लिखा हुआ है ना? यस सर. बीबी जीरो पे स्टार्ट हुआ क्या आपका ग्राफ?
सैचुरेशन कहां स्टार्ट होगा, इसे आप सैचुरेशन बताएं जरा मुझे। इसमें आपको ग्राफ जब भी आपको बोला जाए, देखिए आशीष आपको मैंने बोला आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, तो इसमें आपका कहां एक्टिव मोड दिख रहा है, कहां सैचुरेशन मोड दिख रहा है, कट ऑफ मोड दिख रहा है, ये अधूरा ग्राफ है कि नहीं है? यस सर, है ना। और कहां आपने बताया इसमें किसके कांस्टेंट वैल्यू क्या ली है उस ग्राफ पे, ग्राफ कभी भी बोले तो उसे कंप्लीट ग्राफ बताना है, है ना सर। थोड़ा सा लिटिल बिट नॉट ब्रश्ड अप सर। क्या लिटिल बिट नॉट ब्रश्ड अप लाइक बीजेटी एंड मॉस्फेट पार्ट्स, पढ़ना पड़ेगा आपको भी। हेलो यस सर, हेलो आशीष, जब भी इंटरव्यू आप प्रिपेयर करके आए तो पहले एक बार पढ़े आप, क्या अभी क्लियर है, कौन सा कांसेप्ट क्लियर है, कौन सा टॉपिक का इंटरव्यू लूं मैं? सब बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर एंड बेसिक पूछते हैं, बेसिक पूछ लेते हैं। डिफाइन द एनर्जी डायग्राम ऑफ द हाइड्रोजन। एनर्जी डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सर इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल एंड मुझे एनर्जी डायग्राम चाहिए, जैसे बाल्मर सीरीज, ये सब सीरीज होती है, आपने पढ़ रखी है क्या, कितने ऑर्बिट होते हैं, हर एक ऑर्बिट का वन है ऑर्बिट तो होता है, पर अगर सेकंड ऑर्बिट की मैं एनर्जी पूछूं तो उसकी बताए, थर्ड ऑर्बिट की कितनी एनर्जी होती है, ये सब चाहिए मुझे। दिस इज द एनर्जी गाइड डायग्राम। सेमीकंडक्टर बेसिक्स में पढ़ा सर, सेमीकंडक्टर बेसिक पढ़ा, केवल सिंगल टॉपिक पढ़ा है आपने अभी सर, पीएन जंक्शन अप टू पीएन जंक्शन, अप टू पीएन जंक्शन। ये जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है पीएन जंक्शन के एक क्वेश्चन था, जो पहला क्वेश्चन था ना ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ओके चले सेमीकंडक्टर से अपन क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज द डिप्लीशन रीजन एंड विच पैरामीटर इट डिपेंड्स। सर व्हेन द कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर is less than the thermal equilibrium concentration, then the then this area can be called as depletion area, and it depends on concentration of the semiconductors. Semiconductor पे depend करता है। Yes. कैसे depend कर रहा है बताएं जरा इसको explain करें। जब ज्यादा कम होगा तो उस पर क्या होगा, वाइड होगा, नैरो होगा, किस टेम्परेचर पे क्या होगा, या टेम्परेचर में इफेक्ट होगा नहीं होगा। सर एक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एन ए एंड एक्सपी इज प्रोपोर्शनल टू एन डी। सर डिप्लेशन विद इन द एन साइड इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ पी साइड, and the depletion with in the p region is proportional to the concentration in n side. The n side concentration badhne pe p side depletion region badhega. Yes sir. Aisa kyon hota hai, kya logic hai iske piche? Because aapko bhi jo ib ka call aaya wo gate ke through aaya hai Ashish. Yes sir. Aapki rank kya hai abhi gate? 781. ओके, ठीक है आशीष, और बताएं क्यों होता है।
Sir, actually, I am not able to find its appropriate reason. Okay. What is the temperature dependency of intrinsic, extrinsic, and conductor? Sir, conductivity of this. इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रेंसिक और कंडक्टर की कंडक्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? डिपेंड ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी. सर, फॉर इंट्रेंसिक conductivity is proportional to ni and ni square is proportional to tq. तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट आएगा मुझे बताओ. टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटेगी, बढ़ेगी, कांस्टेंट रहेगी? सिंपल. द फॉर सेमीकंडक्टर इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एंड फॉर कंडक्टर इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस इट कंडक्टिविटी डिक्रीजेस. क्यों डिक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज होगी? Sir, in the case of conductor, if temperature increases, the oscillation between oscillation of lattice point increases. That's why conductivity decreases. But in the case of semiconductor, when we increase the temperature, number of concentration carriers are generated more, and that's why due to generation of carriers, conductivity increases in case of semiconductor. Mobility decrease होती है, पर in this case में तो mobility का effect नहीं होगा. It will affect but not in dominant mode. It will affect but not in dominant mode. Okay, Ashish, your time has been completed. First of all, you give the feedback about yourself, then I will give the feedback. आप अपना feedback बताएं पहले. कैसा रहा आपका interview? Sir, actually थोड़ा बरसात नहीं था sir. और पीछे. Okay. आशीष, पहले आपको सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है ना, क्योंकि अगर आप बिना सब्जेक्ट प्रिपेयर करे इंटरव्यू देंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करेगा, है ना. अगर आपके पास टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको विद इन टाइम लिमिट, आपको जैसे सपोज आपका इंटरव्यू परसों है ना, तो आपको फिर अभी अभी प्रिपेयर करके देखना है कि नहीं सर मुझे अभी के अभी देखना है कि मुझे कितना आता है नहीं आता है. बट इफ वी हैव द टाइम देन आपको प्रिपेयर करके इंटरव्यू देना है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा. ओके आशीष, ठीक है. क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे केवल लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो आपने दिया वो करेक्ट दिया है, ठीक है ना, जिसमें मैं कहूँ आपने 100% सही बोला है. और बाकी सभी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन का तो आंसर दिए ही नहीं, कुछ के आंसर एकदम मिड में ऐसे दिए, ठीक है. तो पहले आपको टेक्निकल इम्प्रूव करना है. ओके आशीष.